अभी बैठ जाइए, मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। मंडप में प्रवेश हो गया रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में भारत भारतीय जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नव निर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। राजा राम
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक करेंगे वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.